सबसे पहले सभी साथियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 25 मार्च और आज 25 मार्च के विभिन्न समाचार पत्रों में जो खबरें छाई हुई हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी आज की खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जी हाँ, कोरोना को लेकर 21 दिनों के लिए यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया है। पूरे भारत में ये लॉकडाउन किया गया है और इसका मतलब कोई भी नागरिक जो भारत का है वो रोड पर नहीं निकलेगा, केवल ज़रूरी सामानों के लिए ही बाहर घर से निकलेगा। ये राष्ट्र के नाम कल शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को ये संबोधित किया है कि सभी लोग इसको माने, और भारत के नागरिक होने के कारण सभी को ये मानना भी चाहिए। और लॉकडाउन में आपको सभी जरूरी जो सामान हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे मेडिकल, राशन, दूध, पेपर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ये भी यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। सब्जी वगैरह भी सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। और अगली खबर आज की आ रही है वो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 23,261 मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूरों के कोरोना के कारण जो बंदी चल रही है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके कारण 1,000 रुपये RTGS के माध्यम से उनके खाते में भेजे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कोरोना के कारण जो बैंक हैं उनके समय में बदलाव किया गया है। जी हाँ, कोरोना के कारण उनके समय में बदलाव हुआ है। अब सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही बैंक सारी ये खुलेंगी और इसमें ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो यहाँ पर लॉकडाउन चालू हुआ है 14 अप्रैल तक। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल तक क्लियर किया था, लेकिन अब यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो लॉकडाउन है, इसे अगर कोई भी नागरिक नहीं मानता है, क्योंकि ये कर्फ्यू की तरह ही लगा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर अधिक और सक्रिय कार्रवाई की जा सकती है। इसकी उच्चतरी बैठक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ही कड़े निर्णय लिए गए हैं। यहाँ तक कि सभी जिला अधिकारियों को यह तक कहा गया है कि अगर आप चाहें तो आप अपने ज़िले में कर्फ्यू लगा तक सकते हैं, अगर नागरिक नहीं मानते हैं तो। अभी तक देखिए 326 मुकदमे तक दर्ज किए गए, बहुत सारे वाहनों को सीज कर दिया गया है जो लोग नहीं मान रहे हैं इन फैसलों को। उसके बाद बात करते हैं सूरत नगर निगम यानी कि SMC में, यहाँ पर 120 नर्स व अन्य पद की यहाँ पर वैकेंसी आ गई है, जो कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू 9, 13, 15 अप्रैल दिया है, लेकिन फिलहाल ये स्थगित भी हो सकता है। फिलहाल के लिए ये इनकी वेबसाइट पर अपडेट रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं SURATMUN municipal.gov.in की वेबसाइट पर ये जानकारी उपलब्ध रहेगी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL भोपाल 229 ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद यहाँ पर हैं। अंतिम तिथि है 3 अप्रैल तक आप अगर यहाँ पर शैक्षिक योग्यता रखते हैं, किस ग्रेजुएट पास हैं, समकक्ष हैं, तो BPL.BHEL.com से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नई वैकेंसी आ रही IOCL 404 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस के यहाँ पर पद हैं। 10 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं, 12वीं, 8वीं ITI पास अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप IOCL.com की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अगली भर्ती आ रही है दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA में 629 सर्वेयर व अन्य पद हैं। 30 अप्रैल तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं DDA.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट से। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, 12वीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD हैं, जो भी हैं सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 124 साल के इतिहास में पहली बार जो टोक्यो का ओलंपिक गेम्स है उसे टाल दिया गया है, और ये एक साल के लिए इसे टाला गया है। अब ये जाकर 2021 में होगा, यानी कि पूरी तरह से इसे अब स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं देश में, यानी कि भारत में अभी तक केवल 10 मौतें हुई हैं, 550 से ज़्यादा संक्रमित पाए यहाँ पर गए हैं, और अभी कल ही 65 वर्ष के एक व्यक्ति की यहाँ पर मुंबई में उन्होंने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते। महाराष्ट्र में काफ़ी सख्ती है, आप देख पा रहे हो कि महाराष्ट्र भारत में सबसे तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटेक्निक में, जो आवेदन का अंतिम मौका आज ही है, आज के बाद यहाँ पर आवेदन समाप्त हो जाएंगे। अगर आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
फिर बात करते हैं कि फिर से ठंडे बस्ते में चली गई जो 3900 शिक्षकों की भर्ती आनी थी। अशासकीय कॉलेजों में खाली पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे, जिसके लिए सुनने में आ रहा था कि मार्च अंतिम तक यहां पर आवेदन मांगे जा सकते हैं, लेकिन अब कोरोना के चलते इस प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और आवेदन भी नहीं शुरू हो पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड की। बिहार बोर्ड ने 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebseb.in पर जारी कर दिए हैं और रात 10 बजे से कल ये अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर अच्छे अंकों के साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर 80.44% पास हो गए हैं अभ्यर्थी, जबकि पिछली बार 79.76% ही अभ्यर्थी पास हुए थे। और साइंस स्ट्रीम में यहाँ पर 476 अंकों के साथ यानी कि 95.2% के साथ नेहा कुमारी ने टॉप भी किया है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय विद्यालयों में। केंद्रीय विद्यालयों में जो 8वीं तक के सभी विद्यार्थी थे उन सभी को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि भेज दिया गया है बिना किसी परीक्षा के। प्राइमरी के तहत जो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के लिए निर्देश हुए थे उसी को चलते ये यहाँ पर किया गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय थे उनमें भी सभी अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है और इसके लिए भी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी कोरोना के चलते। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें आयकर जो नागरिक भरते हैं या GST, वो उनकी जो तारीख है वो 30 जून तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। 30 जून तक आप ये आयकर और GST को फिलअप कर सकते हैं और भर सकते हैं। अब अगर किसी भी ATM से आप निकासी करते हैं, चाहे किसी भी बैंक का हो, अगर आपका SBI और HDFC निकासी करते हैं, तो अगले 3 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये कोरोना के तहत निर्णय लिया गया है जिससे काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है और इसका किसी प्रकार का कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम में लॉकडाउन का मतलब क्या है, क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, जो बहुत ही ज़रूरी है ये समझ लें। देखिए खुला क्या रहेगा, राशन दुकान, किराना दुकान, फल सब्जी, दूध डेयरी, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, पेट्रोल पम्प, पोस्ट ऑफिस, ATM, बैंक, मीडिया, पुलिस प्रशासन और ब्लास्ट फॉरनेस यूनिट, अन्य बुनियादी जो सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी। क्या क्या बंद रहेगा ये देख लीजिए। 5 आदमी एक जगह पर नहीं इकट्ठा होंगे, एक साथ शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बस रेल सब बंद रहेगा, सिटी बस निजी बस सभी बंद रहेंगी, टैक्सी रिक्शा सभी चीज़ें बंद रहेंगी, मेला जुलूस धार्मिक सामाजिक उत्सव बिना परमिशन जिले में प्रवेश नहीं होंगे और ना ही कराए जाएंगे, ना ही इसका प्रवेश यानी कि ना इसका अनुमति दी जाएगी, मिलती ही नहीं है इसकी अनुमति। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरें थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। इन्हीं तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें समय समय पर।